यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व भी मैं 3 वीडियो डाल चुका हूँ मॉडल पेपर के रूप में। इंटरमीडिएट के लिए ये जो आज का पेपर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये ओरिजिनल मॉडल पेपर है जो यूपी बोर्ड ने जारी किया है, क्योंकि चूंकि इस बार 2 के बजाय 1 पेपर हो रहा है तो कई सारे कन्फ्यूजन्स थे, तो यूपी बोर्ड ने ये मॉडल पेपर जारी किया है वेबसाइट पर, उसको मैंने ओरिजिनल डाउनलोड करके ये आपके लिए लाया हूँ। ठीक है बेटा, मॉडल पेपर 2019 इंग्लिश ओनली पेपर, ओनली पेपर यानी एकमात्र पेपर हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन था बच्चों में। सेक्शन ए शुरुआत होती है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेज। इसमें क्या है कि कोई से 2 पैसेज, जैसे एक पैसेज ये है जो आपको दिख रहा होगा, एक दूसरा पैसेज है जो मैं आपको बता देता हूँ ये है। ये 2 पैसेज में से जो भी आपको सरल लगे आप ट्राई कर सकते हैं। क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना है भाई, कैसे, देखिए। आई वॉज ए प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव, द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। अर्थात इस पैसेज को अगर आपको सरल लगता हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या डालना है, रेफरेंस, फिर कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो बताइए किस पार्ट से है, जो क्योंकि आपको रेफरेंस में तो यही लिखना है, है अ गर्ल विद बास्केट, याद आया आपको, और किसने लिखा है, विलियम सी डगलस। ठीक है, तो वही बात, आप रेफरेंस में क्या लिखना होता है आप जानते हो, क्या लिखना होता है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विद द बास्केट रिटन बाई विलियम सी डगलस। इस बात के 2 मार्क्स हो जाते हैं, आप ये समझ लीजिए। उसके बाद आपने डाला कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाना होता है कि ये जो पैसेज दिया गया है ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। अगर मैं कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ, जैसे द राइटर हियर डिस्क्राइब्स, एक शुरुआती लाइनें हो सकती हैं कॉन्टेक्स्ट की, क्या, द राइटर हियर डिस्क्राइब्स, मतलब कोई सेट पैटर्न नहीं होता है, लेकिन आप एक शुरुआत, कई बार बच्चे कहते हैं सर हम कैसे शुरुआत करेंगे, तो कम से कम राइटर हियर डिस्क्राइब्स ये कुछ शुरुआती शब्द हो सकते हैं। द राइटर हियर डिस्क्राइब्स द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, अगर हम इसको पढ़ें, द राइटर हियर डिस्क्राइब्स द रिफ्यूजी चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड हिम, हिम कौन, द राइटर, बिकॉज दे थॉट दैट द राइटर बीइंग ए फॉरेनर कैन बी ए गुड बायर फॉर देयर आर्टिकल्स। तो कुछ इस तरह से आप जब आप कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे 2 मार्क्स का आपका कॉन्टेक्स्ट भी हो जाता है। उसके बाद क्या हेडिंग डालेंगे, एक्सप्लेन है, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इसकी आई हटा सकते हो, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन में द राइटर सेज दैट, अब देखिए बहुत ज़्यादा कुछ ना करें, अगर आपको कठिन लगता हो कम से कम आई फर्स्ट पर्सन है इसका, तो आप थर्ड पर्सन, द राइटर सेज दैट ही वॉज अ प्रिजनर, अब ही वॉज अ प्रिजनर ऐसे, राइटर सेज दैट, मतलब थोड़ा सा आगे से समझाने की कोशिश कीजिए, क्या कहते हैं लेखक, ही हैड परचेज मैनी हैंडमेड आर्टिकल्स लाइक फैंस बास्केट्स फ्रॉम द चिल्ड्रन, ही देन फेल्ट कम्प्लीटली कैप्टिव अमंग द चिल्ड्रन, ही वॉज इवन अनेबल टू मूव, है ना, वो मूव भी नहीं कर पा रहा था। अब उस लड़की के बारे में क्या कहता है, जस्ट देन द राइटर सॉ अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, शी वॉज वेरी अग्रेसिव वेंडर। अब इस तरह से आप करते हुए आप एक्सप्लेनेशन लिख पाएंगे, इतना कठिन भी नहीं होता, आखिर 8 मार्क्स का सवाल है भाई, थोड़ा पढ़ के जाइए आप। ठीक है, दूसरा जो पैसेज है वो भी बड़ा सरल है, ही ओनली इज फिटेड टू कमांड एंड कंट्रोल हु हैज सक्सेसेड इन कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग हिमसेल्फ, किस लेसन से बताइए, यस द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, किसने लिखा है, जेम्स एलन, बस रेफरेंस में तो यही बात लिखनी है आपको, कॉन्टेक्स्ट में क्या समझा रहा है, लेकिन किसके बारे में कह रहा है, कि वही व्यक्ति फिट है कमांड और कंट्रोल के लिए जो सफल हो गया, द वेज टू एक्वायर ओवरकमिंग पावर, वो यहाँ पे पावर कैसे इंसान को प्राप्त हो उसके बारे में बता रहे हैं। तो ओवरकमिंग पावर कैसे, बाई कल्टीवेटिंग बैलेंस पैसिविटी एंड स्ट्रांग माइंडेडनेस, अगर ये हैं इसके बारे में लेखक बात कर रहा है, ये आप कॉन्टेक्स्ट में लिख पाएंगे। जब कॉन्टेक्स्ट लिख पाएंगे तो फिर आपको क्या होगा, एक्सप्लेनेशन भी लिख पाएंगे, द राइटर हियर सेज दैट द पर्सन हु हैज हिमसेल्फ कंट्रोल्ड या हु हैज कंट्रोल्ड हिमसेल्फ
या हु हैज पावर टू कंट्रोल ओवर हिज ओन विल ओन डिजायर्स ऑन ही हैज पेशेंस एटसेट्रा ही कैन कंट्रोल अदर्स ऑल्सो. मतलब इस तरह से आप इसमें अपनी बात को समझाते हुए लिखते जाएंगे. बहुत कुछ नहीं करना, कम से कम इतनी कोशिश तो कर सकते हो, थोड़ा बहुत बदल के इसको लिखिए आप. कम से कम लिखने के अटेम्प्ट करने के तो आपको मार्क्स मिलते हैं, और बिल्कुल कुछ नहीं करोगे तो कैसे कार चलेगा, है ना. इतना घबराओ मत, एक्सप्लेनेशन लिखना इतना भी कठिन नहीं होता, ठीक है. चलिए, इन दोनों में से कोई एक करना था. इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पर. बोर्ड ने बहुत बढ़िया पेपर बनाया आपको समझाने के लिए, ठीक है ना. अब पेज नंबर 2 पे हम आ गए. ये पैसेज आगे तक था, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स. अब आप देखिए कितना ईजी हुआ है इस वाला आपके लिए. क्या करना है आपको, एनी 3 क्वेश्चन, यानी आपको कोई से 3 तो प्रश्न है, और करना सिर्फ एक है, वो भी कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का. इससे सरल और क्या हो सकता है. देखिए, वाई वॉज फटिक एग्जाइटेड टू गो टू कलकत्ता. आपको याद होगा ये लेसन, फटिक इतना एग्जाइटेड क्यों था कलकत्ता जाने के लिए, तो आपको पता है क्यों था. ये इसी साल लेसन आया है, द होम कमिंग में से है, रविंद्रनाथ टैगोर का. आप ऐसे आंसर लिख सकते हो, फटिक वॉज एग्जाइटेड टू गो टू कलकत्ता बिकॉज ही थॉट दैट गोइंग टू ए न्यू प्लेस विल बी गुड फॉर हिम, ही वुड एन्जॉय सिटी लाइफ देयर. सेकेंडली, देयर वॉज नो लव बिटवीन हिम His mother and his younger brother Makhan. याद आया आपको. ये एक तो बड़ा सरल और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ इज स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ. चाहे तो आप ये कर लो, स्मोकिंग कैसे इंजूरियस है बता. स्मोकिंग रिजल्ट्स इनटू एब्जॉर्बिंग निकोटिन. निकोटिन क्या होता है स्मोकिंग से बताओ. शरीर में निकोटिन एब्जॉर्ब कर लेते हैं हमारे फेफड़े हैं. इट इज़ वेरी हार्मफुल स्टफ. इट कॉन्स्ट्रिक्ट आर्टरी, ये आर्टरी को सिकुड़ा देता है. एंड रेजेज ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है. इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स हार्ट टू बीट मोर रैपिडली. और क्या करता है बताओ, ये हार्ट को और तेजी से धड़काता है, ठीक है ना. जाओ ये कर लो, ये भी बड़ा सरल था. और नेक्स्ट है, व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ वैल्यूएबल लाइफ. एक वैल्यूएबल लाइफ की इंपॉर्टेंट क्वालिटीज 3 कौन सी हैं. अरे भाई वही हैं, दा दा दा. याद आया आपको. तो दा 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 का मतलब क्या है, द यानी कि दम, दा यानी कि दान, और दा यानी कि क्या है, दम दान और दया, ठीक है. लिटरली इनका मीनिंग क्या है, दम मीन्स सेल्फ कंट्रोल, दान यानी चैरिटी, और दया यानी कंपैशन. थोड़ा पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है. वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है. कोई सा 3 में से एक करना है आपको. इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3. और क्वेश्चन नंबर 3 तो बड़ा सरल होता है, इसमें कुछ नहीं करना. अगर आपने ढंग से किताब पढ़ी है तो आप कर पाएंगे. क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड्स गिवन विद इन द ब्रैकेट. यानी एक एक एक, यानी कि चारों एक एक मार्क्स के हैं, बस आपको फिल इन द ब्लैंक कर देना है सही से, ठीक है. देखिए जरा, पहला आई फ्लिक्ड हिम, क्या है इसमें आएगा, ऑफ. याद आया आपको, किस में से है. अरे भाई, फेलो ट्रेवलर, द चार्म एंड ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू. क्या, ग्रेसियसनेस. उसके बाद माखन ओनली मूव टू ए मोर डॉट 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 पोजिशन, कम्फर्टेबल, अनवियरेबल, ईजी या क्रिटिकल. कम्फर्टेबल, याद आया आपको. और नेक्स्ट है, जस्ट द सेम आई डॉट 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 ही वुड गिव मी ए फ्यू ब्रेक्स. हार्ट कहता है अपनी बात, है जे डी रेड क्लिफ्ट ने क्या लिखा है, बस इतनी सी बात है, आई विश, ठीक है. इस तरह से आप, ये भी बड़े सरल होते हैं, बस आपने लेसन ढंग से पढ़ा हो, ठीक है. इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं, पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4. आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स. यहाँ पे आपको समझ गए होगे, 8 मार्क्स और केवल 75 वर्ड में आंसर देना है. क्या है, मर्चेंट ऑफ वेनिस. याद आया आपको, इसमें से 2 में से कोई एक का आंसर देना है. जैसे, हाउ डज पोर्सिया सेव एंटोनियो, पोर्सिया एंटोनियो को कैसे बचाती है. तो आप जानते हैं पोर्सिया कौन है. पोर्सिया इज द सेंट्रल फिगर ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस, सी इज कॉल्ड द हीरोइन ऑफ द प्ले. अब वो बचाती कैसे, यू नो, सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ इंटेलिजेंस एंड ब्यूटी, है ना, विजडम एंड ब्यूटी कह सकते हो, ठीक है. और वो क्या करती है, वो डिस्गाइज करती है, सी डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज ए मेल लॉयर, ठीक है ना, एंड कम्स देयर इन द कोर्ट, ठीक है. किसका नाम लेकर के, बाल्थाजर का नाम लेकर के आती है, कुछ याद आया आपको. एंड देन व्हाट सी डज देयर,
See, you know, so first of all, she appeals Shylock to show mercy on Antonio. Then she traps him. फिर उसको फंसा लेती है in his bond में ही, उसी के bond में. क्या कह कह के Shylock was entitled only to a pound of Antonio's flesh, neither more nor less, न कम न ज़्यादा, not a single drop of blood. ध्यान आया आपको? इस तरह से वो एंटोनियो को किस तरह से डिफीट करती है और एट लास्ट शी इज एबल टू सेव एंटोनियो हु इज द फास्ट क्लोज फ्रेंड ऑफ हिज ऑफ हर हस्बैंड बेसेनियो. राइट द करेक्टर स्केच ऑफ Shylock. अब Shylock का करेक्टर स्केच लिखना कोई बड़ी बात नहीं है. Shylock तो आपने पढ़ा है कैसा व्यक्ति है बताइए. Shylock इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड hero, sometime called villain, but he's not a hero. He's actually villain because right from the play we find that he has negative attributes. Okay, उसके सारे गुण negative वाले हैं. ठीक है भाई, है ना. उसका जो है किस तरह का व्यक्ति है बताइए. greedy, insensitive, cruel, intolerable, ये सारी variety hero की तो नहीं हो सकती. ऐसा व्यक्ति है. ठीक है ना. दूसरे क्या है, Shylock का जो character है वो communal कुछ फीलिंग्स उसके अंदर ज़्यादा हैं. ठीक है ना. और इस तरह से हम उसके करेक्टर को आसानी से 75 वर्ड से लिखने हैं. उसके कुछ मीनिंग में उसके हेडलाइंस वगैरह याद रखिएगा और आप समझ जाओगे. ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स. क्या है इसमें बताइए. कौन सी बुक आ गई यहाँ पर. ये आ गई सप्लीमेंट, सॉरी शॉर्ट स्टोरीज हैं. दसवीं में सप्लीमेंट्री कहते हैं. व्हाई डिड शंकु वांट टू स्टील द गोल्ड वॉच. शंकु गोल्ड वॉच क्यों चुराना चाहता था बताइए. अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि शंकु कौन था. शंकु वॉज ए लो पेड पुअर फैक्ट्री वर्कर. ही वॉज इन डेब्ट फ्रॉम हेड टू फुट. ही हैड लार्ज फैमिली टू सपोर्ट एंड टू सॉल्व हिज मॉनेटरी मनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसे क्यों ही वॉन्टेड टू स्टील. वो घड़ी चुराना चाहता था. व्हाई डिड द एस्ट्रोलॉजर रन अवे फ्रॉम हिज विलेज. गाँव से एस्ट्रोलॉजर क्यों भागाया था याद है कुछ आपको. देखिए यहीं से बना लो. द एस्ट्रोलॉजर रन कर रैन अवे फ्रॉम हिज विलेज बिकॉज. ठीक है. वाई वाले क्वेश्चंस बिकॉज से आगे बना सकते हो. ही हैड कमिटेड ए मर्डर इन हिज यूथ. उसने क्या किया था, यूथ में मर्डर किया था ना. सो टू इवेड और एस्केप द पनिशमेंट ही रैन अवे फ्रॉम हिज विलेज. ही हिड हिज आइडेंटिटी एंड बिगेन टू अर्न हिज लिविंग एज एन एस्ट्रोलॉजर. ओके, चाहे तो ये कर लो आप. वो भी यानी टू करने हैं तीन थ्री में से. ठीक है ना. तो 4+4 8 मार्क्स के हो जाते हैं. चाहे ये कर लो. व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ द चाइल्ड आफ्टर ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स. प्लाइट क्या होती है जानते हो. दुर्दशा. बच्चे की क्या दुर्दशा थी बेचारे की जब वो अपने माता पिता से खो गया था. मुल्कराज आनंद का ये बहुत ही फेमस लेसन है. द चाइल्ड वॉज रनिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर. एक साइड से दूसरी साइड में भाग रहा था है. सर्चिंग फॉर हिज पेरेंट्स. ही वॉज क्राइंग बिटरली विद टीयर्स. ओहो, ही वॉज अनकंसोलेबल एंड रिफ्यूज टू हैव एनीथिंग. आपको याद है जो व्यक्ति उसे एक काइंड पर्सन मिला था, उसने सब कुछ ऑफर किया बट वो कुछ भी चीज़ को रिफ्यूज, हर एक चीज़ को रिफ्यूज कर रहा था, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आ गई पोएट्री सेक्शन. पोएट्री सेक्शन में है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से कोई एक करना है आपको. द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रेथिंग मॉर्न द स्वेलो ट्विटरिंग. आपको समझ में आ गया होगा. फ्रॉम एन एलिजी रिटन कंट्री चर्च यार्ड. थॉमस ग्रे की पोएम है. बस कोई रेफरेंस में लिख दीजिए. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम. और कंपोज्ड बाय, यहाँ रिटन बाय नहीं, यहाँ कहते हैं कंपोज्ड बाय थॉमस ग्रे. ठीक है ना. यहाँ पे क्या है बताइए आप. यहाँ पे हम जब देखेंगे इसका कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखोगे बताओ. पोएट कहाँ है बताओ. द पोएट टॉक्स अबाउट और डिस्क्राइब्स द पुअरली मेंटेन्ड ग्रेव्स ऑफ द पुअर विलेजर्स इन ए चर्च यार्ड. वो कहाँ होया, चर्च यार्ड में होता है. दे आर मेड ऑफ मड विद ड्राई ग्रास ओवर देम. ओके, इस तरह से आप कॉन्टेक्स्ट बना दीजिए. वो वहाँ होता है उनकी कंडीशन देख करके, दुर्दशा देख करके, किसकी, उन ग्रेप्स की. वो कैसा हो जाता है, द्रवित हो जाता है. ही फील्स अप विद पिटी फॉर देम. फिर एक्सप्लेनेशन डालिए और एक्सप्लेनेशन में थोड़ा लिख डालिए. द पोएट सेज दैट द फोर फादर्स लाइंग देयर इन द ग्रेव्स आर इन देयर इटर्नल स्लीप. वो कभी नहीं जागेंगे. इतने सारे साउंड, ये कौन से साउंड है बताओ. कितने सारे बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल हैं ऑन मेटोपोया के, है ना. बहुत सुंदर सा, जरूर इसको ट्राई करें अगर ये आए. ठीक है. नेक्स्ट है माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर. याद आया आपको. स्टॉपिंग बाई बोर्ड्स ऑन ए स्नो इवनिंग किसका है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है. इतनी प्यारी सी पोएम है, आप बताइए हैं. तो आप जो है चाहे तो इस पोएम में से जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपको लगे कि आपके लिए इजी है, वो वाला आप ट्राई कर सकते हैं. ठीक है जी. इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चर्चा करें तो सिक्स क्वेश्चन के बाद आता है सेवन्थ क्वेश्चन, और सेवन्थ क्वेश्चन में क्या आता है, बड़ी बड़ी सरल बात है भाई, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी, आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है किसी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग का, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, अ लामेंट, माई हेवन, इन तीन में से कोई एक ट्राई कर लीजिए। किसका लिखा है सर, हेनरी बोटन, लामेंट पी वी सैली, माई हेवन रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, बहुत सरल है, इनमें से कोई भी एक ट्राई आपने तैयार भी किया होगा। और अंतिम क्वेश्चन सेक्शन ए का है, राइट द डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच विद टू एग्जाम्पल्स, यानी कि इनमें से कोई एक आप चुन लीजिए और उसके दो एग्जाम्पल लिखेंगे, तो डेफिनेशन के टू मार्क्स और टू एग्जाम्पल लिखने के टू मार्क्स। जैसे मेटाफर, मेटाफर क्या होता है बताओ, मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, बट बर्ड सो लाइक एज नहीं लगते हैं, बाकी तो सब सिमिली जैसा है, कंपेरिजन बिटवीन टू बर्ड्स। जैसे एग्जाम्पल क्या है, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, बड़ा फेमस है, लाइफ इज ड्रीम, आई सी लिली ऑन द आईब्रो, कुछ भी दो तीन में से दो। पर्सोनिफिकेशन में क्या करते हैं हम बताओ, इन पर्सोनिफिकेशन वी एक्सक्राइब लाइफ एंड इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टू इनएनिमेट और एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, अर्थात हम भाववाचक या निर्जीव चीज़ों को जीवन, जैसे कोई जिंदगी हो, पर्सन जैसा, तभी तो पर्सोनिफिकेशन नाम आया है, ऐसा कर देते हैं। जैसे लव इज ब्लाइंड ऐसा कहा जाता है, जैसे लव कोई व्यक्ति हो वो अंधा हो गया, लाई हैज नो लेग्स, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, डेथ लेज इट्स आई सी हैंड ऑन द किंग्स, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने पढ़े भी होंगे। और या फिर हाइपरबॉल ले लो, हाइपरबॉल में क्या कहते हैं, ए स्टेटमेंट इज मेड इम्फेटिक बाई ओवर स्टेटमेंट, या थिंग्स आर प्रेजेंटेड ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर, जैसे 10,000 saw at a glance daffodil, याद है आपको विलियम वर्ड्सवर्थ की, या द वेव्स रोल्ड माउंटेन हाई, लहरें पर्वत जितनी ऊंची उठी, इस तरह से, या ब्लड ऑफ रिवर फ्लोड इन द बैटल फील्ड में खून की नदियाँ बह गई, इनमें से कुछ भी। शायद आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा, आप तैयारी भी कर रहे होंगे, बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल, प्लीज़ शेयर एंड लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।